और तमाम उपस्थित हमारे इस परिवार के सदस्यगण, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, आज वेचेस का दीक्षांत समारोह जिसमें जिनको सबको डिग्री मिली है आज, उनके लिए एक सुकून की बात है और गर्व की बात है, खुशी की बात है। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत ही गरिमा में प्रोग्राम चल रहा है, अभी भाषण देंगे गवर्नर साहब, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहते क्योंकि सब बातें आ चुकी है इस मुबारक मौके पर। इसलिए वो मेरे पास पूरे आंकड़े भी हैं कि किस प्रकार हम अन्य राज्यों के मुकाबले में काफ़ी आगे बढ़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और आपने भी कमी नहीं रखी। जब संकट आया पूरे विश्वव्यापी महामारी का, महामारी ऐसी फैल गई कि पूरी दुनिया चिंतित हो गई है, तो हमारी आज की पीढ़ी के लिए तो एक ऐसा वक्त था, चिंता का वक्त था, पता नहीं क्या होगा भविष्य के अंदर। हर मुल्क के अंदर जो आंकड़े आ रहे थे मरने वालों के लिए और कोरोना ग्रस्त होने वालों की, पहले भी हमें समझ में आई नहीं होगा क्या। मुझे खुशी है कि उस वक्त भी आर एन एच एस ने और डॉक्टर भंडारी ने और सबने मिल के और जो बिरोड़ा मॉडल बना उसका नाम देश में नहीं पूरी दुनिया में गया। डब्ल्यू एच ओ ने तारीफ करी, एक मॉडल बन गया एक प्रकार से पूरे विश्व के लिए। और जो कुछ भी किया मेडिकल फैसिलिटी ने उसको भूल नहीं सकते क्योंकि सब कुछ चिंता थी खुद की जान बचाने की। उस माहौल के अंदर हमने सबको साथ लिया, तमाम राजनीतिक पार्टियों को लिया, धर्मगुरुओं को लिया, एनजीओ को, एक्टिविस्ट को लिया, सबको आह्वान किया। और मैंने कहा कोई भूखा भी नहीं सोना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। मुझे खुशी है कि उस वक्त में सबने अपना धर्म निभाया और ऐसी व्यवस्था की आपस के अंदर एक दूसरे की इमदाद की, कोई भूखा नहीं सोया। इलाज जितना संभव था उससे अच्छा इलाज आज तक न हुआ। पड़ोसी राज्यों में लोग भी आने लगे, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। इस प्रकार से सब सरकारी गैर सरकारी सब लोगों ने मिलकर के काम किया। आर यू एच एस का दीक्षांत समारोह है और अभी मैं देख रहा था कि जब मंत्री जी बोल रहे थे तो अच्छा आप रेस्पॉन्स दे रहे ताली बजाने का, पर जैसे ही राइट टू हेल्थ बिल की बात की ताली बहुत कम बजी। आप घबराए नहीं, आप घबराए नहीं, ये राइट टू हेल्थ पब्लिक के लिए विशेष, ये तो मोड़ ले लिया अचानक ही डॉक्टरों के लिए। मकसद जो हमारा था, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी ने क्या किया, आजादी के बाद पहली बार अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी। आरटीआई दुनिया में कहीं नहीं था, राइट टू इंफॉर्मेशन, नरेगा, मां नरेगा महात्मा गांधी के नाम से आराम हो गए राजस्थान प्रदेश के लिए, जहां पर लोग अकाल में सूखे में तड़पते थे। मैंने देखा बचपन से ही, मैं 40-50 साल राजनीति कर रहा हूँ, 50 साल 40 साल में मेंबर पार्लियामेंट बन गए 42 साल पहले, एक एक गांव में घूमो मुझे पता है क्या स्थिति बनती थी, आराम हो गया। राइट टू एजुकेशन, गरीब बच्चा भी जा सकता प्राइवेट स्कूल के अंदर, सरकार फीस देगी उसकी। और फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल, ये कोई कम बात नहीं है। कहने का मतलब है उसी ढंग से हमने एक, आपको तो गर्व होना चाहिए था कि राजस्थान की डॉक्टर फैसिलिटी मेडिकल के लोगों को गर्व होगा पूरे देश के अंदर, अन्य राज्यों के मुकाबले में हमारे यहाँ राइट टू हेल्थ एक्ट बना हुआ है, हमारा कमिटमेंट है और हम उसको पूरा कर रहे हैं। तो मोड़ ले लिया ऐसा, जैसे कि पता नहीं प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ है, डॉक्टर तकलीफों बिल्कुल नहीं है, गलत समय निकाल दीजिए, आपका इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट है, हम सब मिलते तो उसको एक्ट बना है। तो कल गवर्नर साहब ने जो साइन किए हैं वो तभी कामयाब होगा तब प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, आप सब लोग हो, सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी, तब जाके वो कामयाब होगा। क्योंकि हम इतने आगे बढ़ चुके हैं,
मैं आपको किस्सा बताना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार 25 साल पहले मुख्यमंत्री बना, अब तो मैं तीसरी बार आप लोगों का आशीर्वाद से बन गया, पता ही नहीं। मैं मजा करता हूँ कई बार गवर्नर साहब कि मेरी कम्युनिटी में एक ही MLA असेंबली के अंदर मेरी पार्टी, और वो मैं खुद ही हूँ। बताओ तो कहाँ जातिवाद कहाँ है? जातिवाद होता है छत्तीसगढ़ को मेरे साथ नहीं होती तो मैं कैसे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनता। और मैंने देखा है पहली बार जब बना मैं तो मैं स्कीम लेके आया था सर, आप मेरे इक्के दो मालूम होगा, याद होगा, मुख्यमंत्री BPL, उसमें BPL की बहुत बड़ी तादाद थी देश के अंदर, अब तो बहुत कम हो गए धीरे धीरे। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोर्स मैंने बनाया, और आपको मैं कहना चाहूंगा मैंने तब प्रचार किया उसका उस वक्त में, और चुनाव आते आते मैं 5 साल जब मैं मीटिंग में जाता था तो पूछता था लोगों को, बताइए कितने लोगों मालूम है आप में से मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा, जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं थी। आज 25 लाख की लिमिट है, उसमें लिमिट भी नहीं थी, 5 लाख 10 लाख कितने खर्च करो, मेरे को मालूम है हमने 10 लाख में संगठन किए थे। आपको जाने दुख होगा कि जब मैं पूछता था फिर हाथ खड़े करवाता मैं लोगों के, कोई मुझे में 50 कोई में 80 हाथ खड़े होते, मैं गिनता आता हूँ। मैंने कहा एक बार बताओ, आप ये 2000 लोग बैठे हो, 3000 लोग बैठे हो, अगर ये योजना आप सबको मालूम है, जानकर आप रखते जानकर रखनी चाहिए थी आपको, अरे कर्तव्य आपका है कि आप आपस में एक दूसरे की सेवा भी करें, मानव सेवा भी करें, अनपढ़ होते हैं जानकारी नहीं होती है, तो कितना बड़ा फायदा मिलता है गरीबों को। उनको पता ही नहीं कि सरकार हमारे लिए कोई लिमिट ही नहीं है इलाज करवाने की। मुझे बहुत दुख हुआ कि वास्तव में बहुत कम लोगों ने पहला खर्च करवाया, उस पर मेरी तैयारी 100 करोड़ की थी तो कोई 15-20 करोड़ मुश्किल से खर्च हुए होंगे। कहने का मतलब ये कि वही थीम मेरे दिमाग में रही हमेशा। पिछली बार जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना तो प्रयोग किया पहली बार फ्री मेडिसिन और फ्री टेस्ट का, वही काफ़ी पॉपुलर देश के अंदर हुआ, जल्दी दवाएं थी, कई लोगों ने उस पर डाउट भी किया, जल्दी सेटल हो गया। तीसरी बार हमने 5 लाख 10 लाख किया बीमे का और 25 लाख किया, छूट समझे क्या होगा। कल डॉक्टर पनगड़े जी हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, राजस्थान के ही हैं, मुझे बहुत दुख हुआ, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, OPA के खिलाफ लिखा है और राइट टू हेल्थ के खिलाफ लिखा है। हो सकता है कि ओबामा केयर शुरू हुआ था अमेरिका में, वो काम नाम नहीं पाया, हो सकता है उनके अनुभव वो हो। मैं आपको कहना चाहूँगा हमारे चाहे OPS हो तो राइट टू हेल्थ हो, दोनों में कामयाब करके दिखाऊंगा। और माननीय दृष्टिकोण उसके अंदर एक 35 साल सर्विस करता कोई आदमी, और उसको आप शेयर मार्केट के भरसे छोड़ दो, म्यूचुअल फंड के भरसे छोड़ दो, तेरी पेंशन उस पर तय होगी, उस पर म्यूचुअल फंड क्या है, उस वक्त शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, देखा नहीं अडानी जी का ध्वस्त हो गए एकदम शेयर, पता नहीं लगता है कब इतना शेयर मार्केट तो एक परसेंट का खेल है, सेंटीमेंट का खेल होता है, ऊपर नीचे जाते रहते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं। अब जाके भारत सरकार को मजबूर होकर के, मेरी बात प्रधानमंत्री ने मानी नहीं, अब जाके अभी 15 दिन पहले ही फाइनेंस मिनिस्टर ने उनको कमेटी बनानी पड़ी घबरा करके, पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहा है इस बात का लेकर। तो कहने का मतलब ये हेल्थ राइट टू हेल्थ बिल जो है आया है, इसको हम लोग कामयाब करना चाहेंगे आप सब मिलकर के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाली कर्तव्य पब्लिक का भी उसमें है, डॉक्टर्स का भी है। और इसके अंदर जो हमने पैरामीटर तय किए जिस प्रकार से, 10 लाख का दुर्घटना बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, थोड़ी बहुत गलतफहमी हो गई एमरजेंसी में क्या होगा क्या नहीं होगा, छोटी बातें थी, और हमने आपके जो 35 डॉक्टर हैं उन सबसे बात करके तय करके चीफ सेक्रेटरी लेवल मीटिंग करा के, फाइनेंस सेक्रेटरी मीटिंग करा के पूछ के हम सब अमेंडमेंट कर दिए हम लोगों ने, और प्रसादी मीणा जी चेयरमैन थे कमेटी के असेंबली के अंदर, सब हमने उसको मान लिया,
चार डॉक्टर के लिए गद्दार थे, कह चले गए बात करने के लिए सरकार से, डॉक्टर बढ़ेंगे बिना मतलब, और सब 16 दिन स्ट्राइक चल गई बिना मतलब की, कोई जरूरत नहीं थी उसकी। आपका सम्मान बड़ा देश के अंदर, राजस्थान के आप डॉक्टर आए हैं और इस प्रकार का वहाँ पर बिल पेश हुआ, पूरे देश के अंदर नंबर वन राजस्थान है जहाँ ये बिल पास हुआ है। अब ताली बजाओ जोरदार आप लोग। पहले नहीं बजाई अब बजाओ। अब मैं पैरामीडल आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग सब डॉक्टर सब बैठे हैं एक्सपर्ट, बाकी हमने हर जगह पर आप देख लीजिए चाहे संस्थागत प्रसव हो 95% राष्ट्रीय औसत से 7% आ जाए हम लोग, कई लंबी बात हो जाएगी, टाइम नहीं है। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि क्योंकि मीना साहब बैठे हैं तो मैं मेरे स्वार्थ की बात करता हूँ। देखिए मीना साहब पहले MCA थे, बहुत बदनाम हो गए थे, बहुत बदनाम हो गए थे, मैं वो सोच नहीं सकता, पता नहीं क्या होता सरकारों को भी कई बार कि मालूम है कि क्या नहीं हो रहा वहाँ, तब भी वो चलता रहा पता नहीं क्या लॉबिंग चलती रही उस एक व्यक्ति वाली। चल अब आप NHC से आप एक भूमिका अदा कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ तो आपके बैठे हुए जो आपने विचार प्रकट किए मैं बहुत प्रभावित हुआ, तो आप जैसे आदमी अगर बैठेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो स्थिति अब नहीं रहेगी। नंबर एक। नंबर दो, एक मेरी बात है जो मुझे पीछ करती है कि नॉर्म्स इतने कड़े हैं आपके कि राजस्थान के मैं देखता हूँ, मुझे बहुत शर्म भी आती है कि उदयपुर में आपकी टीम आ रही है तो भंडारी डॉक्टर भेजेंगे जयपुर से वहां पर दिखाने के लिए, सब कुछ ठीक चल रहा है और ठीक कुछ नहीं चल रहा है, डॉक्टर की कमी है वहां पर, स्पेशलिस्ट की कमी है, जो भी कमी है बताने के लिए नॉर्म पूरा करने के लिए, बीकानेर में होगा तो वहां टीम भेजेंगे। ये आप जरा इसमें विचार करें, हमें शर्म आती है कि हम सरकार वाले खुद ही जो है ये काम करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर क्यों दूर देंगे हम लोग, कमी सब में होती है पर सरकार में कमी नहीं होनी चाहिए। आप सरकार का पालन करो, आपकी मेडिकल कॉलेज है तो आपकी ड्यूटी है आप पूरी भर्ती करेंगे, वहाँ होनी चाहिए, आवश्यक होनी चाहिए। अगर सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल सकती है, इतना बड़ा स्टेप उठा सकती है, मनमोहन सिंह की वक्त में शुरुआत हुई थी, मुझे याद है मैं उस वक्त भी मुख्यमंत्री था, अच्छी शुरुआत हुई, साइन फ्लू भी आ गया था उस वक्त में, साइन फ्लू भी आया था उसके बाद में शुरुआत हुई, अच्छा फायदा अभी NDA गवर्नमेंट ने उसको कंटिन्यूस किया है और आज मंत्री जी कह रहे थे कि 30 जिले में किया था और 30 जिले में हमने उसको पूरा कर दिया। तो हमारी प्रायोरिटी जब है और भारत सरकार की प्रायोरिटी भी है तो क्यों नहीं, मतलब ये कुछ ऐसी स्थिति है जिसे मुझे बड़ी शर्म आती है, हम खुद जो है अपने आप को धोखा देते हैं, भेजते हैं वहाँ पर डॉक्टर को, फिर आपकी टीम जाती है तो डॉक्टर हमारे वापस आ जाते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।